वह प्रेमी सजनों, मेरी माताओं, नारद जी की एक साल पहली बताई हुई बात सच होने लगी। सत्यवान जैसे लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, जैसे चढ़ने के लिए डोरी फेंकता है तो डोरी ना फिकी, कुल्हाड़ा उठाया तो छूट के गिर पड़ा, हाथ पैर ढीले, सर में दर्द, दिल बेचैन। सत्यवान का दिल ये गवाही देने लगा कि कुछ ना कुछ देर में तेरे प्राण निकलने वाले। आदरणीय सुल्तान मिस्त्री साहब, 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं, धन्यवाद साहब आपका। यूं बोलिया सत्यवान कि सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, और मेरी काया के मैं भड़क लागरी मन चक्कर सावे से। कि सावित्री आंखों के सामने अंधेरा सा है, सर में मीठा मीठा दर्द है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, चक्कर सा आ रहा है, आसमान डोलता हुआ पृथ्वी घूमती हुई नजर आ रही है, और ये लक्षण ठीक नहीं है। लक्षण मेरा दिल गवाही दे रहा है कि शायद मेरा वक्त नजदीक आ लिया। सजनाओ किस तरह से रो रो करके सत्यवान क्या कहने लगा, रो रो करके सावित्री सत्यवान को क्या दिलासा देने लगी। आइए दोनों धनीवीर बियाबान जंगल में सजनों कैसी कैसी अगली पिछली बातों को सोच रहे हैं, और कैसे कैसे एक हेलो, हेलो। एक अपना दुख रो रहा है, पति अपना दुख रो रहा है, और वो सतीवीर पति के हौसले को बुलंद करती हुई उसका हौसला उसको धैर्य बंधाती है। आइए क्या लिखा गुरुजी ने सुनेंगे इस राग में। सावित्री जी पिया जी, कि आज मेरी तबीयत के सावित्री और लक्षण को न्या ठीक, और मुझे जचे सावित्री आज मेरा आलिया समय नजदीक। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे बताइए। सावित्री जी पिया जी, जिन पैरों से चलता हूं उन पैरों हाँ। पर खड़ा नहीं हो जा रहा, हाथ पैर ढीले हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरा दिल बेचैन है, आंखों के सामने अंधेरा सा है। पिया जी घबराइए मत, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा। नहीं नहीं पिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, हर लक्षण ये है कि मैं कुछ देर का और। नहीं पिया जी, ऐसी वाणी मत बोलिए, मुझे लगता है आपको थकान हो गई है। मेरे साथ में मैंने शादी करने से पहले आपसे कहा था कि मेरे से शादी ना कर, सावित्री तेरी हट के आगे मेरी भी नहीं चली, लेकिन जो विदना के लेख हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। देखिए पियाजी, जो विदना के लेख लिखे हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, मेरा वक्त आखिरी आ लिया है, अब मुझे कोई पता नहीं। पियाजी ऐसी बातें मत कहिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं कहां से धीर बनाऊंगी। सावित्री जी लिखड़े से मेरा, सावित्री जी लिखड़े से मेरा, लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दू मैं तेरा। सावित्री जी लिखड़े से मेरा।
से बेचैनी ज्यादा नार मेरे गात में हार गे घने क्यों पिया साथ प्राण नाथ में और हमें ना कुल्हाड़ा गोरी हमें ना कुल्हाड़ा गोरी आज मेरे हाथ में हारिए नहीं मत पिया मैं हूँ तारे साथ में होनी ने दे लिया घेरा होनी ने दे लिया सामने अंधेरा है और सावित्री से अंधेरे में जी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिया जी आप थक गए हैं, रोज आप बहुत ज्यादा भारी बरोटा बांध के ले जाते हैं। अंधेरे में मुझे यम के दूत नहीं नहीं पिया जी ऐसी बातें ना करिए। पिया जी आप थक गए हैं, आप जरा नीचे आ जाइए, आराम कर लीजिए। मैं थका नहीं हूँ। आज मेरा दिल बेचैन है, मेरी काया बेचैन है। परेशान मत होइए पिया जी, और जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ। परेशान मत होइए पिया जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जो कह रही है वो अपनी जगह ठीक कह रही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मेरी मौत निश्चित है। नहीं, नहीं पिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। और मेरी काया कराम लेकर ग्यारी मेरी काया कराम लेकर जा जीसा घुटताया वैसे मेरे मेरे गोड़ा में सर धर ले क्यों खड़ा घुमेरे खावे से हाथ पैर ढीले पड़ेगे और हाथ पैर ढीले पड़ेगे और सर मेरा चकरावे से मेरे करीश्वर ने याद पिया वो सबकी लाज बचावे से आख्या आजे हुयारी अंधेरा साथ है तेरा मेरा अगर जन्म जन्म का साथ है हाँ। तो जन्म तो जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा Stop!
बाल दिखाई दे रहा से बाल ना पाका हो सकता दिल मेरा गवाही दे रहा से देखा मेरी जान काल का बोल सुनाई दे रहा से तेरी मर्ज की आज राम जी खास दवाई दे रहा से तुम्हारे कहने में कोई कमी नहीं है लेकिन मेरी आत्मा की आवाज है, मैं अब दुनिया में नहीं बचूंगा। नहीं पिया जी, मेरा काल मुझे सामने दिखाई दे रहा है, काल का बोल, काल की गर्जना मेरे कानों में आ चुकी है। नहीं पिया जी, नहीं, इस घोर बियाबान में मेरी आंखों के सामने जो अंधेरा है, इस अंधेरे में मुझे यम के दूत नजर आते हैं। पिया जी, ये यम के भेजे हुए दूत हैं, मेरे प्राण लेने के लिए आए। नहीं पिया जी, घबराइए मत। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन प्रार्थना करूंगा। निवेदन कि मैंने जब से होश संभाला है, हाँ, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, उन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे जाने के बाद सावित्री, मेरे माता पिता को दुख मत दे देना। पिया जी कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपके माँ बाप, उनको धैर्य बना देना, उनसे कह देना कि तुम्हारा बेटा सत्यवान तो नहीं लेकिन सत्यवान की जगह तुम्हारा बेटा ये सावित्री सत्यवान से भी ज्यादा तुम्हारी सेवा। पिया जी ऐसी बातें ना करिए, आपको कुछ नहीं होगा, उस ईश्वर में ध्यान लगाइए। मुझे मेरा काल दिख गया है सामने। पिया जी परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे कुछ हो गया तो तुम नहीं जी पाओगी, तुमसे पहले मुझे कुछ हो गया तो मेरे अंधे माता पिता नहीं जी पाएंगे। मैं जानता हूँ, हाँ, उनके अंदर प्राण बसते हैं तो सत्यवान के नाम के बसते हैं, वो जी रहे हैं तो सत्यवान के ऊपर जी रहे हैं, अन्यथा नहीं अब तक वो अपने प्राण गवाओगे। लेकिन मेरे मरे की मेरे माता पिता सुनेंगे जी पिया जी, वो प्राण गवा देंगे, उनको धैर्य बनाना, इस दुख की घड़ी में उनका साथ देना तेरा कर्म धर्म और कर्तव्य बनेगा। देख सुन के मात पिता रोवेंगे री, और सुन के मात पिता रोवेंगे उनकी धीर बंधी तू है रक्षक भगवान हमारा मत साजन घबराइए तू, उन्हें तेरे सहारे छोड़ चलिया, उन्हें तेरे सहारे छोड़ चला, उन्हें मत ना दुख पहुंचाइए तू। इष्ट देव हनुमान के गुण हरे राम बैस ले गई तू, ये दुनिया का झूठा आड़ घेरा, दुनिया जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं।
से भाग।